आप सबको हैप्पी सर्दी। अच्छा ये सर्दियों का मौसम आ गया है। हाँ। नहीं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सीनियर सिटीजन जो होते हैं वैसे ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं अपनी मम्मी का बहुत अच्छा ख्याल रखती हूँ, वो सीनियर सिटीजन है। या आई लाइक दैट। हमें तो वैसे भी घबराने की जरूरत नहीं अर्चना जी, मुंबई में कहाँ 19 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए तो लोग उसी में आगता हो, बड़ी सर्दी हो गई है। कहीं नॉर्थ में जाके देखो, दो आदमी आपस में खड़े हो जाए ना तो दांत ऐसे किटकिटाते ना, आप इधर मुंह करके सुनो तो आपको लगता है वो ट्रेन में मांगने वाले नहीं आते, टक 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 करके ऐसी आवाजें आती हैं। अच्छा टेम्परेचर इतना गिर जाता है लोग कितने कपड़े पहन लेते हैं, पहले तो वो चुस्त वाली बनियान टाइट वाली जो आपको ऐसे करके रखती है ना, उसके ऊपर पहनते टी शर्ट, फिर पहनते शर्ट, उसके ऊपर हाफ बाजू वाला स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट, ऊपर से टोपी और मफलर। 80 किलो का आदमी ना 85 किलो कपड़े पहन के घूम रहा होता है। अच्छा इनकी सर्दी तब भी दूर नहीं होती, ग्रीन यू करके ऐसे भी इसी करता है। और कई लोग तो उसमें भी दस्ताने पहन लेते हैं, लेकिन आप जितने भी दस्ताने पहन लो, कुदरत इतनी बड़ी चीज है ना, दस्ताने उतरवा ही देती है। तब अगर आप नहीं उतारो तो या तो बाई या दाई टांग कोई तो गिली होगी, तो दस्ताने उतरवा देती है कुदरत। पहले के जमाने में जो दादियां नानियां होती थी ना, उनका एक ही काम होता था, स्वेटर बुनते रहती थी। जैसे जुलाई खत्म हुआ अगस्त में शुरू हो जाती थी, और अगस्त से नवंबर तक आते आते कोई ना कोई आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बना देती थी। अच्छा कई दादियों की स्पीड बड़ी तेज होती है, वो दो दो स्वेटर बना देती थी, और फिर अपनी बहू को पूछ रही होती थी, मैंने दो स्वेटर बुन दिए, अब कोशिश करना जुड़वा ही हो। अच्छा आगे कई बहुएं जो है लड़ भी पड़ती थी, अम्मा आपका क्या जा रहा है, उनका गोला ही तो है, जितना मर्जी उधेड़ लो, हमारा भी तो कुछ सोचो। अच्छा सर्दी के मौसम का एक फायदा है, लोग मारपीट नहीं करते। मान लो दो लोगों की गाड़ी आपस में टकरा जाए, वो हाथ बाहर निकालते नहीं है, वो ऐसे ही लड़ते हैं। अब क्या देख के नहीं चला सकता क्या, सामने वाला बोला है तू नहीं देख सकता, अबे चल 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 तू चल, दू क्या एक देख के दिखा, अंदर ही दिखाते रहते हैं, मारूंगा एक तरह मुंह से पूरा बोल लेते, हाथ से कोई नहीं लड़ता, ये बड़ा फायदा सर्दी का। अच्छा जॉइंट फैमिलीज जो होती हैं सर्दियों में एंजॉय करने का इनके सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बड़ी सी रजाई में 6 लोग घुस जाते हैं, मूंगफलियां खा रहे होते हैं पेपर बिछा के, टेम्परेचर गर्म रहता है एक्चुअली, सब लोग बैठे ना रजाई में, और ज्यादा लोग बैठे तो जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी मूंगफली खाते खाते ना रजाई का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। नहीं होता है ऐसे, रजाई गर्म होती है ना पता चल जाता है कि मूंगफली ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छा ऐसे में जो कांड करता है ना, सबसे पहले रजाई में से निकल के भागता, मेरा तो हो गया, लोग भी समझ जाते कि इसी का हुआ है। ये दिनेश तो इतना कंजूस है ना, मैंने कहा तेरे कमरे में एसी नहीं, तो 5,000 का ब्लोअर लिया, मतलब गर्म हवा छोड़ता है, कहता उसका क्या लेना देना, कहता 10 रुपए की मूंगफली 2 महीने सर्दी होती है, 600 की मूंगफली सर्दी खत्म। ये अच्छा आप देखना जो बुजुर्ग होते हैं ना चुपचाप बैठे रहते हैं सर्दियों में, जिनको लोग बोलते हैं कि पापा जी तो शांति हो गए जब से पोते पोतियों वाले हुए, ऐसे बुजुर्ग को आप सर्दी में ना ठंडे हाथ उनकी गर्दन पे लगा के देखो, जवानी वाली गाली देंगे आपको, ठंड नहीं किसी को बर्दाश्त। कुछ लोग चाय से ठंड भगाते हैं, सिर्फ पी के नहीं ग्लास ले लेंगे, हाथ गर्म करते रहते हैं, पी के गला गर्म करते रहते हैं, और जिस अंगीठी पे चाय बन रही होती ना उसकी करीब होते जाते हैं उसके ना, तो अंगीठी वाला भी ऐसे हटाता है, वो केतली उठाता ना जिसकी चोंच बनी रहती है जिसमें से चाय निकलती है, वो थोड़ी सी लगाता है, हट। पहले जब घरों में मेहमान आते थे तो किसी के पैर छुए बड़े लोगों के तो 10-20 रुपए मिल ही जाते थे, पर सर्दियों में किसका दिल करता है हाथ निकालने को बाहर, लेकिन बच्चे लालच में बेचारे पैर ही बिना अंकल, लेकिन मेहमान को भी ठंड लग रही होती है, गुस्सा तब आता है जब वो घुटने से कहता है आ जीते रहे बेटा जीते रहे। चलो ऐसे बच्चे ना फिर बदला लेते डिनर के टाइम पे, कैसे ताऊ खाना खा रहे होते ना ठंडा बूंदी रहता गिराते धोती पे, अब बूंदी बूंदी तो ऊपर रह जाती है, रायता अंदर जाता है ना जब, तो ऐसी ठंडक पहुंच जाता है। आप देखना गर्मियों में या कभी भी आपके घर की बेल बजे ना, जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, कुत्ता भागता ओ कौन आया, फटाफट जाके दरवाजा तो बेचारा नहीं खोल सकता लेकिन जाता जरूर, रिएक्ट जरूर करता है, लेकिन सर्दियों में अगर कोई मेहमान आए ठंड तो कुत्ते को भी लगती है, वो कोने में जाके बैठा रहता है, वो मालिक को देख रहा है, मालिक उसको देख रहा है, मालिक है टॉमी, तो वो अपना फर्ज पूरा कर देता है, बो तू जा।
अच्छा इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा हीरोइन को ठंड लगती ना तो जो इंग्लिश हीरो था यू कैन वेयर माय जैकेट अपनी जैकेट उतार के देते हमारी फिल्मों में ऐसा होता नहीं हमारी हीरोइनों को ठंड ही नहीं लगती हाँ, आपको तो पता ही है बेचारी शिफॉन की साड़ी पहन के पहाड़ों में जाके स्लीवलेस मेरे हाथ में हीरोइन की छोड़ो आप हमारी लेडीज को देखो हिंदुस्तान में दिसंबर की सर्दी में अगर आप दिल्ली साइड चले जाओ तो कैसे स्लीवलेस पहन के ब्लाउज शादी में घूम रही होती है जैसे जून की शादी है और फिर जब एक बजे जब ओस पड़ती है ना तब जाके शॉल ले लेती है फिर भी सहेली से पूछ रही होती कोई रह तो नहीं गया देखने वाला तो वो जब बताती ना वो अंबाला वाले ताऊ जी रह गए फिर शॉल लेके जाती वहीं पे गिराती ताऊ जी प्रणाम जो लोग सर्दियों में शादी करते हैं ये लोग हनीमून के लिए भी ठंडी जगह जाते हैं सपोज पंजाब में शादी हुई है तो बगल में क्या पड़ता है डलहौजी या शिमला तो ये लोग वहां पे चले जाते हैं वहां पे भी ठंड जहां शादी हुई वहां पे भी ठंड ये वो लोग होते हैं फिर गर्मी आने से पहले खुशखबरी सुनाते हैं ये होता है अच्छा सर्दियों में एक तो रात की जर्नी ऊपर से बस रोडवेज की सोच के ठंड लगती है आपको हमें लगता होता है खिड़कियां बंद हैं आप बैठ जाओ ना जब बस चलती है तब पता चलता है बस कहां कहां से खुली है और वो इतनी इतनी जगह से जो हवा आती ना वो फिर तलवारों की तरह आती है बड़ी वो अरे जो लोग विंडो सीट के शौकीन होते हैं वो नहीं विंडो सीट की तरफ देखते वो फिर कोशिश करते हैं जहां ड्राइवर चला रहा होता ना तो उसका इंजन होता ना गरम होता वहां पे जाके बैठो तो ड्राइवर हटाता हट इंजन है तो आदमी कहता हम भी तो इंजन ही रख रहे हैं भाई हमें भी गर्म होने दो अरे सर्दियों में ट्रेन का सफर और भी मुश्किल होता था अब तो खैर बड़ी एडवांस ट्रेन आ गई पहले के टाइम पे कैसे इंडियन टॉयलेट होते थे नीचे से पूरे खुले होते थे है ना बड़ा वाला छेद हवा भी आ करके तो आदमी जाके अंदर अपने कपड़े खोलता था ना बर्फीली हवाएं आपके पहाड़ों को सुन्न कर देती इतनी ठंडी हवा ना तो उतना हिस्सा ऐसे लगता था किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो सुन्न हो जाता था वो तो आदमी को ये भी नहीं पता चलता था कि जो करने आया वो हुआ भी है कि नहीं इतनी ठंडी हो जाती है बचपन में हमें पता करना होता था ना कितनी सर्दी पड़ रही है तो हम दिनेश की नाक देख लेते थे इसकी नाक हमेशा बहती रहती थी हाँ एक बार इसको प्ले में रोल मिल गया राजा का वहां इसकी नाक बहने लगी अब इसको दी हुई थी तलवार और वो ढाल तो इंप्रोवाइज कर रहा है वहीं पर भी कहता हे अहंकारी राक्षस शुक्र कर मेरे हाथ में तलवार है अगर तीर होता तो मैं ऐसे मार देता ये बड़ा क्रिएटिव है दिनेश इसने ना सर्दियों में नहाने का अलग ही तरीका निकाला है क्या? इसकी बीवी कपड़े धोती ना तो ऐसे छिटकती तो कहता हो गया मेरा हो गया तो एक बार तो इसकी बीवी को गुस्सा था पता नहीं उन्होंने इसके मुंह पे छींक दिया इसने क्या हो गया हाँ कहता बड़ा बजट बढ़ गया अभी पानी के साथ साथ शैम्पू भी फेंक रही है गर्मियों में जो लड़के लड़कियां ताड़ने के लिए गलियों में घूमते ना सर्दियों में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि लड़की के दादाजी जो होते हैं लकड़ी की कुर्सी लेके बाहर डाल लेते हैं अपनी बैठ जाते हैं सुबह की अखबार के साथ चाय दोपहर का खाना शाम की चाय उधर ही होती है उनकी और साथ में देखते रहते सबको बुजुर्ग आदमी से आंखें मिला के देखना हटेगा नहीं जब तक आप निकलने जाओ गली में से वो सारी सर्दियां खराब करते हैं ये लड़के बदला तब लेते हैं जब होली आती है होलिका दहन में सबसे पहले दादाजी की कुर्सी जलाते हैं ये कि बड़ा इन्होंने हमें रोका है छोटे शहरों में ना एक और चीज बड़ी मजेदार होती है सर्दियों में ना लड़कियां जब बाल धो लेती हैं तो छत पे जाती हैं सुखाने हालांकि धूप इनके आंगन में भी आती है लेकिन ये सूखती उसी धूप से जो छत पे होती है क्योंकि इनको भी पता है लड़के भी आए हैं वहीं भी बाल सुखा रही है सामने वो भी अच्छा जो लड़के देखने आए छत पे वो खुद 6-6 दिन नहाए होते नाखून बढ़ा रखे लड़की को ताड़ रहे हैं वो तो बाल सुखा के चली जाती 5 साल में शादी हो जाती ये धूप में खड़खड़ गंजे हो जाते हैं लड़के छोटे अपना फ्लेवर है अच्छा जो लोग हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं ना कटिंग कराने शेव कराने अरे शेव कराने जाओ ना तो वो पहले 2-3 बार स्प्रे मारता है पानी का आपको तो पता होगा तो अच्छा गर्मियों में तो अच्छा लगता है स्प्रे 2-3 बार मारो सर्दियों में एक बार से ज्यादा मार दो ना आदमी भड़क जाता है मैं सीमेंट का हूं तराई कर रहा है जो मेरी
कि मैं पुरानी भिंडी हूँ जो पानी मार मार ताजा कर रहा है। अच्छा, जैसे सर्दियों से जुड़े हर एक के पास कोई ना कोई किस्सा आता है, हमारे जितने भी यहाँ मेहमान आए आपके भी कोई ना कोई किस्से होंगे सर्दियों से जुड़े हुए, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब, इसमें तो अभी से ही नहाना बंद कर दिया। क्या हाल है ब्रदर? सब बढ़िया पाजी। नमस्कार, कहाँ से आए आप? मैं बिहार से हूँ। तो फिर आपका क्या किस्सा है सर्दियों का? सर मेरा किस्सा यह है सर कि सर्दियों किस्सा कि नहीं किस्सा जी क्या किस्सा है? मेरा किस्सा यह है सर कि सर्दी का मौसम सबसे मेरे लिए प्यारा मौसम है सर। अच्छा, क्या होता है सर कि गर्मी में मैं एक टी शर्ट जब भी पहनता हूँ तो मतलब बॉडी सॉडी थोड़ी पतली उतली दिखली लगती है। जैसे हाँ। सर्दी की मौसम आती है ना हाँ। तो मैं अंदर से दो तीन चार स्वेटर वेटर पहन के पूरा बॉडी वॉडी बना के एकदम। लड़कियां तो मानो ऐसी इंप्रेस होती है सर। लड़कियां हाँ इंप्रेस होती है। यस सर हाँ, तुम ही बचे हो दुनिया में बस। तो फिर इंप्रेस हो जाती है, फिर क्या बोलती है? नाम क्या है आपका? सॉरी, अंकित सिंह सर। अंकित, यस सर। तो क्या बोलती लड़कियां जब जैकेट पहन के आते हो? बोलती है कि क्या मसल्स वाला लड़का है, मतलब सब घूर घूर के देखने लगते हैं सर। तो मतलब आपको वैसे सर्दी लगती नहीं है, खाली बॉडी अच्छी लगती है सर्दियों में, इसलिए? यस सर। सर्दी आपको अच्छी लगती है? यस सर। अच्छा, और कुछ? और तो कुछ नहीं सर, बस। थैंक यू अंकित, शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी सर। मैं डॉक्टर सायनी सर। नमस्कार डॉक्टर सर। पूरी फैमिली मेरी डॉक्टर है। अच्छा, और आप हमारी बहुत मदद करते हैं क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। थैंक यू सो मच। हमारे सभी पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई सर, जैसे तीन अवस्था रहती है, बचपना, युवानी और बुढ़ापा। जी। तो ऐसा मैंने कोरिलेट किया है सर सीजन से। अच्छा जी। जो बचपना है वो विंटर सीजन है। कैसे? आप देखेंगे कि हर एक को छोटे बच्चे पसंद आते हैं। हाँ। कोई ये नहीं देखता कि ये बच्चा किसका है या क्या है। राइट। उसी तरीके से विंटर सीजन सभी को पसंद आता है सर। जी। और दूसरा जो है समर सीजन, वो टीनेजर्स है सर। वो क्यों? छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते। बिल्कुल सही। जरा मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या सब्जी बनाओ, हाँ मम्मी तुमको तो ऐसा ही है, मम्मी तुमको तो वैसा ही है, यानी छोटी छोटी बात में गर्म हो जाते। और जो रेनी सीजन है जी, वो अपना वृद्धावस्था जिसको अपन बोलते हैं कि जो ओल्ड एज रहता है वो रेनी सीजन है। वैसे के आदमी के आंखों में आंसू ही रहते हैं सर। पर किसने कहा बुढ़ापे में सबके आंसू रहते हैं? लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, मेरी मम्मी तो बड़ा एंजॉय करती है कि बच्चे बड़े हो गए। हंसी के आंसू है सर, हंसी के आंसू है, मतलब खुशी के आंसू भी रह सकते हैं। पर जैसा जो रेनी सीजन है वो बुढ़ापे को दिया है मैंने, पर मेरा कहना यही है कि जो दो सीजन जो पहले है विंटर और समर, ये यदि ठीक रखना है तो हमको रेनी सीजन की जरूरत है। ऐसा आपके घर में जो भी बुजुर्ग वगैरह है उनकी इज्जत करो, उनको बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि रेनी सीजन रहेगा तो ही बाकी के सीजन आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। जय जिनेंद्र। कपिल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अर्चना जी, मैं जलगांव खानदेश से आई हूँ। अच्छा जी। और मेरा नाम समता रुनवाल है। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। थैंक यू सर। मेरा किस्सा ये है कि मैं ठंडी में उड़द के लड्डू बनाती हूँ। तो फिर क्या करते हैं बना के? बना के मेरे हस्बैंड को सर बहुत पसंद है उड़द के लड्डू, और मैं उनको खिलाती हूँ। शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 24 चल रहा है। 24 साल बाद आदमी फिर लड्डू ही खाता है। I mean, हाँ अच्छी बात है। तो वो अच्छे होते हैं सर्दी में उड़द के लड्डू? हाँ सर, मेरे हाथ के सभी को पसंद है, मेरे पूरे फैमिली को पसंद है। भाई साहब आए साथ में आपके हस्बैंड? नहीं सर, मैं अभी अकेली आई हूँ। लड्डू खा रहे हो? कहीं लड्डू ना खा रहे हो? तो फिर उसका फायदा क्या होता है मैम उड़द के लड्डू का? फायदा ये है सर कि वो हर सीजन में जल्दी आते हैं सोने के लिए रूम में, और ठंडी का ही मौसम ऐसा है सर। अच्छा, तो आपको क्यों जल्दी सुलाना उनको? यही सीजन में वो रूम में जल्दी आते नहीं है। अच्छा। सर्दी में? हाँ सर। घूमते रहते होंगे बाहर दोस्तों के साथ। हाँ। टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं सर वो। तो बीवी नहीं देखते, टीवी ज्यादा देखते हैं। और लड्डू उनको बहुत पसंद है सर। अच्छा, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैं आपको लड्डू देती हूँ, आप जल्दी आया करो रूम में, तो ही लड्डू मिलेंगे, नहीं तो लड्डू मिलेंगे नहीं। अच्छा, ये स्ट्रेटजी है बेसिकली आपकी पति को बांध के रखने की, लड्डू खिलाओ। हाँ। यहाँ पे लाई थोड़े उड़द के लड्डू? हाँ सर लाई हूँ आपके लिए। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हाँ सर आपके लिए भी लाई। इनको दे दो, इन्हीं के लिए मांग रहा था मैं। धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त हैं जो सर्दी का किस्सा? जी
हेलो कपिल, मैं नाम प्रिया राठौर है। प्रिया बहुत बहुत स्वागत, कहाँ से आई आप? मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से? हाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे कैसे, मतलब यहाँ पे यही मॉडलिंग वॉडलिंग करने आई हूँ और खासकर आपसे मिलने। अच्छा, मॉडलिंग करने आई है? ऑल द बेस्ट। उधर नहीं होती मॉडलिंग हरिद्वार में? क्या करूँ, आप तो यहाँ हो तो मैं वहाँ क्या करूँगी। कपिल आज तो तुझे सामने से कोई तेरे साथ फ्लर्ट करने वाली मिल गई। देख। अच्छा कोई और फ्लर्ट करता ना तो कपिल शर्मा जाता, देखो इसको। ओ मैं, हाँ वो होता कभी कभी, पर आप करते रहिए, मेरे को अच्छा तो लग रहा है। ठीक है। तो हाँ, आपका क्या किस्सा है? मेरा किस्सा ये है, हाँ जी, कि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। अच्छा। और सर्दियाँ मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मेकअप कितना ही कर लूं निकलता नहीं है, और गर्मी में 2 सेकंड में निकल जाता है। हाँ, तो कितना मेकअप करती हैं आप? इतना, इतना सा तो मुंह है आपका छोटा सा। हाँ, कितना मेकअप लगता होगा? कितना लगता होगा? ऐसे भर के ठोक लो तो सही, तो गर्मी में मेकअप निकल जाता है। हाँ। तो असली चेहरा सामने आ जाता है। सर्दी मुझे अच्छी लगती है पर अच्छी नहीं भी लगती है। क्या, क्यों, कारण क्या है उसका? अच्छी इसलिए नहीं लगती है क्योंकि सर्दियों में शादी बहुत होती है। हाँ। तो आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जिनकी हो रही है उनको तो बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे, हाँ भाई, जिनकी होती है उनको अच्छी लगती है। और अच्छा, हम लोगों को, हम लोग जाते हैं वहाँ पे मेकअप करके, और लड़कियों का क्या होता है ना, ड्रेसेस पहनती है, ड्रेसेस के चक्कर में वो जैकेट वगैरह नहीं डालती। हाँ जी। हाँ, तो क्या होता है उनको तबीयत जो खराब होती है ना, घर जाके जो डांट लगती है उससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपकी जब शादी होगी, आप क्या चाहती, कौन से मौसम में हो आपकी शादी? सर्दी आने वाली हो और गर्मी जाने वाली हो। तो कैसे पता चलेगा? नहीं, इनका जब मेकअप हल्का हल्का उतरना बंद हो जाए, है ना, और थोड़ा थोड़ा रहना शुरू हो जाए, हाँ, तब समझो, है ना, सही सीजन आ गया। तो सारा वाल पुट्टी का खेल है। जो भी मतलब होता है, क्या बोलते उसको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लव यू, थैंक यू। अर्चना जी, हाँ जी, आपको तो पता है टी सीरीज में कोई भी म्यूजिक एल्बम हो या फिल्म हो, भूषण जी के अप्रूवल के बिना जो है वो नहीं होती है जी। लेकिन आज हम जिनको यहाँ पे बुला रहे हैं, इनके अप्रूवल के बिना, भूषण जी की अप्रूवल कोई ऐसे, मतलब हाँ, मतलब है नहीं, मतलब कुछ। अच्छा। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और हमारी भाभी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार। दिव्या जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑलवेज अच्छे लगते हैं। खुश हो गया। दो मैरिड लोग ऐसा ही बातचीत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भूषण जी कैसे? बहुत अच्छे हैं। बड़े, उनको भी ले आती, आप बुलाते तो जरूर आते। उनके पास टाइम ही कहाँ है, जब तक हमारे शो में आगे शूटिंग करेंगे अगला 300-400 करोड़ कमा लेंगे। अर्चना जी, ये जो आपने सॉन्ग सुना, हाँ, याद पिया की आने लगी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है दिव्या जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। अच्छा, याद पिया की उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो एक मिनट आपके बिना नहीं रहते है ना, अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूँ अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है, दूर रहते नहीं है, क्या करें। याद पिया की तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों, क्यों? परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा, शादी ऐसी चलती है, दूर दूर रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी। नहीं नहीं, जोक्स अबाउट, वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो, राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। अच्छा जी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक आई एम
I was directing for quite some years. I directed two films. Yariyan ke liye bhi main yahan aayi thi. Aur ab main wapas, like, I'm acting in a film. Wow. So now they came up to me and they said ki now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. Wow. So it was their idea and they approached me, and it's Rao and Sapru Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. Divya, aap actor bhi hain, director bhi hain, producer bhi hain. Aapko kis cheez mein maza aata hai zyada? देखिए, डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते. सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म, तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली. बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो. बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर माँ माँ के रोल मिलेंगे, तो अभी कर लो. So I thought, like, I've done two films, now let me just try for acting. मैं थोड़े time से try कर रही थी, अब एक अच्छा break मिल गया तो I'm happy. नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही दिव्या जी आप. Thank you so much for coming. आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत अच्छा कर रहे हैं. दिव्या जी, आप जो भी मंगवाना चाहें. जी जी. चाय, कॉफी, मिल्क शेक, बनाना शेक. असली है? हाँ, ये असली है. ओके ओके. लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं. नहीं नहीं, मत सुनो मत. जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं. नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर जी, सकती हैं. जी. मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत सब ऑर्गेनाइज था. एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी. अच्छा? And everything was very comfortable. तो बंदे का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता नहीं. I think, Kapil, your wife has made a lot of difference on you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is so giving. नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही. पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर मैं था. अच्छा. तो अभी सलमान खान है. बिग बजट. बजट बड़ा हो गया ना. बाकी मैं अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में. क्यों नहीं आती होती, कभी कभी ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती है. शेयर उस दिन अरुणाई रानी हमारे वहां पे आई थी तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिए, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके. हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है. दिव्या जी, आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया? बहुत बार, बहुत. अच्छा. बार, बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल मैं बॉम्बे में थी. Okay. रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन. सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशन दिए. मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ आई गॉट आफ्टर माई ऑडिशन. या अच्छा नहीं, आपने कभी ऑडिशन दिया कि सीधा धमकी दे के आई है? हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे. एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई यू नो टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था. बट ऑडिशन तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं. मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता. आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको. सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ. नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है. बहुत, इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए. कभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ, इतना दूर वहाँ कोई है ही नहीं. मड आइलैंड गए एक बार तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे. तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं, बताओ बताओ बताओ. सवाल ही नहीं का है. आई कॉल हिम गुल्लू. अच्छा, नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है. भूषण कुमार द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू. हाय गुल्लू, आई होप यू आर वॉचिंग अवर शो. गुल्लू, प्लीज गिव मी अ चांस. मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं. मैं कहा कैसे सर? कहते हैं माय वाइफ इज कमिंग योर शो. मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना, इसलिए फोन किया. हाँ, बोलते ध्यान रखना. देखो कितने बिजी आदमी फिर भी आपको आपके लिए फोन कर रहे हैं. वाओ, ही लव्स यू सो मच. तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए. जी जी जरूर. अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को ABC जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गाने से होती है. A for अखलड़ गई, B for बूंदी की डिगी बम.
C4 है ना, चुगाड़ा तारा. ये सच्ची बात है कि झूठ? Actually, you know, मेरे बेटे को बॉलीवुड का बी भी नहीं मालूम. अच्छा. He doesn't know it at all. अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, he doesn't know anybody. So he's completely away from it. Wow. And he's into his own world of space and science and astronaut or planets, you know. So yeah, so धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट अभी कुछ नहीं. घर में गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है, हमें गोद ले लो. गोद ले लो. दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे. तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ. आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं. अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे. ये सच है? ये बात सच है? आपको कैसे पता चली? अरे इतनी आप पॉपुलर हैं. बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से. क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में, क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां वो सब. अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मैं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. पर एक्चुअली नहीं करना चाहिए. आप किसी को लाइक करते हो वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां. पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून से चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है. बोल रही हीमोग्लोबिन कम है. दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में. ये तो अफवाह है. ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों. अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है ई सी सीरीज या एस सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो है वो टी सीरीज है. ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो टी सीरीज से ही है ना. एक अफवाह ये कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं. ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके. हमारी ना जो गृहणियां होती हैं, जी जी, आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहणियां करती हैं? तो मैं सच सच बता देता हूँ, आम गृहणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल है. मैं कहीं से भी आम गृहणी लगती हूँ तेरे को. गृहणी हूँ. तो पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहणी की तरफ फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी. वाओ, तो मतलब ऑफ कोर्स होता है, करना पड़ता है यार. हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप में होता है. वेरी नाइस. आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? उनके सवाल है. हाँ, कभी कभी. करते हैं. भूषण जी प्लीज टेक केयर. सब्जी खरीदते हो कभी धनिया फ्री में मांगा है? वो इंडियन गृहिणी क्या जो सब्जी खरीदते समय धनिया की बार्गेनिंग ना करे? कभी ऐसे करके टूथपेस्ट निकाला है? कभी नहीं. हाँ, लेकिन कैंची से निकाला है. तो फिर हम तो ठीक ही कर रहे हैं. हाँ, ठीक ही है. अगर इतने अमीर लोग ये सब कर रहे हैं तो हमारा फिर ठीक है. नाइस. भूषण जी के पुराने कपड़े दे के नए बर्तन लिए कभी? मैंने कहा भी था अर्चना ये सवाल नहीं अच्छा. मुझे लगता है भूषण जी के पुराने कपड़े देकर आप एक नई गाड़ी ले सकते हो, इतने अच्छे होंगे वो कपड़े. बर्तन तो नहीं लिए, बट मुझे याद है जब मैंने वीडियोस शुरू करे थे डायरेक्ट करने, तो बहुत बजट स्क्वीज्ड होते थे. माय हस्बैंड इज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर बजट. वो आपको एक पैसा भी ऊपर नहीं देंगे डाउन द बजट. तो मैं उनके कपड़े ही लाकर एक्टर्स को सब पहना देती थी. दिव्या जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई. आइए. थैंक यू सो मच दिव्या जी एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू फॉर हैविंग मी. जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए. आइए दिव्या जी. ओ! इस तरह. अर्चना जी, कल हमारे बीच फिल्म पागलपंती की पूरी स्टारकास्ट मौजूद नहीं थी, आधी स्टारकास्ट थी. तो आज पागलपंती के ही और कुछ स्टार्स जो हैं
मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ. सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनीस बज्मी साहब और उनके साथ फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे स्टार कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट को. आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे. कृति तो अभी थोड़े दिन पहले आई थी. कृति आपको मुबारक हो हाउसफुल 4. थैंक यू. क्या बात है, जबरदस्त हिट फिल्म चल रही है और दूसरी सुपरहिट लेके आ गई हैं. थैंक यू गाइस. इनको हम फीमेल अक्षय कुमार बुलाते हैं एक्चुअली. आई थिंक अक्षय कुमार के बाद शी इज द ओनली वन जो कपिल के शो पे इतना आ रही है. और बैक टू बैक हम तो घर भी नहीं गए कपड़े बदलने, अब उससे पहले आ गई. एक्चुअली ना मैं लास्ट टाइम के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूं, इसलिए इस बार शाम को शूट रखा. अच्छा एक्चुअली मेरे पास टाइम आया 6, आगे PM AM ने लिखा था. मैंने कहा बहना कितने बजे जाने. एक्चुअली उस दिन आए ना ये लोग अनीस भाई 7 बजे का कॉल टाइम रख दिया. उसके बाद ऐसा सर्कल बिगड़ा, अभी तक नींद कभी दोपहर को आ जाती है कभी रात को आ जाती है. ये तो उसके बाद ट्रेन में बैठ के निकल गए दिल्ली को, हम लोग इधर बैठे हुए थे. तो सबसे पहले मैं जो सवाल आपसे करने जा रहा हूँ ये गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल का सवाल है. तो सवाल ये है कि इस फिल्म में आप दोनों के किरदार क्या हैं? मैं जानवी का किरदार निभा रही हूँ. Okay. जो कि एक बिगड़ी हुई स्वीट सी लड़की है. आई लव बिगड़ी हुई स्वीट लड़कियाँ. आई नो वी आर द परफेक्ट पैकेज. लेकिन बाकियों में फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग है, इसमें बिल्कुल नहीं है. ये वो है और इसको तो परफेक्ट पैकेज. परफेक्ट पैकेज है एक्चुअली. और अमीर है. Oh. अब सोच लो. वेरी नाइस. पुलकित जब आपके पास ये ऑफर आया तो किस चीज को लेके एक्साइटेड थे कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इस चीज को लेके कि खाली कृति का नाम सुन के हाँ कर दिया आपने? एक्चुअली यू नो अनीस सर इतने सुंदर लगते हैं, मेरा ध्यान कृति की तरफ गया नहीं था पूरी पिक्चर देखते हुए जब भी मैं कर रहा था. एंड ही इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट रीजन फॉर मी टू डू द फिल्म. यार मैं आज तक सिर्फ अनीस बज्मी फिल्म को देखता था, आज मैं इनके पोस्टर पे हूँ एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार. सो थैंक यू सर. इतनी ढेर सारी हिट फिल्में जो हैं वो अनीस भाई दे चुके हैं. बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीस भाई, आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होंगे. अच्छा अनीस भाई की आपने जितनी भी फिल्में देखी, आपने देखा मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे स्टार्स को एक साथ जमा करना. अनीस भाई जितने स्टार आपकी फिल्मों में होते हैं इतने अवार्ड शो में नहीं होते कई बार. हाँ एक्चुअली ये सच्ची बात है. अनीस भाई कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता कि आप फिल्म कर रहे हैं, शूट बहुत बड़ा सीन है, सबके सब इन्वॉल्व हैं, बाद में आपको पता चला यार ये एक्टर को तो हमने होटल से बुलाने भूल गए, कभी होता है? हाँ एक दो मरतबा ऐसा हुआ है. तो फिर आप उस समय उनको बुलाते हैं, कर लेते हैं उस समय इम्प्रोवाइज? हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइज करके, थोड़ा दूसरे को शॉट लेकर कुछ करके, कई मरतबा थोड़ा सा सीन भी छोटा कर दिया अगर लेट हो गए तो. अच्छा वाह, एक बार मुझे काफी जुगाड़ू इंसान है हमारे राइटर होने का ये फायदा है ना. हाँ ये है एक्चुअली. मैंने अनीस भाई को देखा है एक्चुअली, मैं एक फिल्म में, मेरे को सौभाग्य मिला था अनीस भाई के साथ काम करने का और सुबह शूट होना है और अनीस भाई रात को सीन लिख रहे हैं. अच्छा अगर आप पुलकित को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पागलपंती के सेट पे एक हाथ से भजिया तल रहे थे. हाँ. और दूसरे हाथ से जलेबियां बना रहे थे. वाह पुलकित, ये जो दोनों चीजें आप कर रहे थे आपने कभी खुद खाई हैं? मैं बहुत खाता हूँ यार. आपकी बॉडी और फिटनेस ये मतलब पूरे सेट पे अगर आप मुझे पूछेंगे सबसे ज्यादा खाने का शौकीन कौन है तो ये खाने की भी शौकीन है, लोगों को खिलाने की भी शौकीन है. इज वेरी फूडी. पुलकित ये फिर मुंह इतना तीखा कैसे है, ये जॉलाइन हमारी क्यों नहीं निकलती? I exercise a lot. ये चेहरे के किस टाइप की ये वाली बात हमें किसी ने बताई नहीं, हमें जलेबी वाली बता दी, हम जलेबी पे लगे रहे. तो एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, उसके बाद आप जितनी चाहे जलेबियां खाएं भजिया खाएं. वेरी नाइस ब्रो, आई एम रियली इंस्पायर्ड. वेलकम. अरे कृति ने साउथ में तो अलग अलग तरह की फिल्में की है लेकिन हिंदी फिल्मों में ज्यादातर आपने कॉमेडी फिल्म काफी की है, जिसकी मतलब यमला पगला दीवाना हो गया, गेस्ट इन लंदन, शादी में जरूर होना, हाउसफुल 4, अभी पागलपंती, उसके बाद बार बार हमारे शो पे आ रही हैं. तो आपका मेन मकसद अगर इसी शो पे आना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. You know, original that is लड़की such a big compliment, Kapil. Thank you. Actually, हमें लड़की देखे कई साल हो गए. हाँ हमारे तो असेंबल्ड ही है सारा कुछ. So you're most welcome. Thanks, yeah, Kapil. मैं ब्लश करने लग रही हूँ. बस अब क्या फायदा, हमारी शादी हो गई है. तुमने नोट किया तुम्हारी शादी होने के बाद ही सब लड़कियां खुल के बात कर रही हैं तुमसे, इससे पहले कोई तारीफ नहीं करता था एक्चुअली. पर सबको पाप लगेगा जिन्होंने मुझे शादी से पहले रिजेक्ट किया है ना. सबको पाप लगेगा. मैं ब्राह्मणों को मना से शादी से पहले प्रपोज नहीं किया था.
ठीक है, मतलब ऐसे करते तो हो जाती बात। You never know. Oh, never know बोल दिया। के है कृति शर्मा, साउंड भी कूल कर रहा है। अच्छा पुलकित, एक अफवाह सुनी आपके बारे में। लोग कहते हैं कि जब आपने फुकरे फिल्म की, सबसे पहले मुबारकबाद आपको, थैंक यू, दोनों ही पार्ट जो है इतने हिट हुए हैं। कहते हैं लेकिन ना फुकरे फिल्म देखने के बाद लड़कियां आपके साथ डेट करने से डरती हैं, उनको लगता है कि फुकरा होगा, इसके पास पैसे नहीं है। ये सिर्फ जो मुझे डेट कर रही है वही बता सकती है। मे आई नो कौन डेट कर रहा है आज के साथ? आई डोंट नो। ये सही गुन्ने बन के लगे रहते हैं, इनको पता नहीं। अच्छा इतनी सारी एक्चुअली हम लोग बातें सुनते हैं स्टार्स के बारे में, तो फिर मैं सामने पूछ ही लेता हूँ कि वो फॉर्म पे बिलीव करें। जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप एक बार जो फुटवेयर पहनती हैं दूसरी बार पहनती नहीं, आपके पास कितने वैसे फुटवेयर? I have over 100 pairs of shoes. Oh. So? Yeah. इतने तो दुकान में नहीं होते। लेकिन मैं बहुत स्मार्ट शॉपर हूँ, मैं महंगे नहीं खरीदती क्योंकि पता है ना दोबारा नहीं पहनूंगी। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, सब सीखिए इनसे। वो मिडिल क्लास दिमाग कभी जाता नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। अनिल भाई आपने राज कपूर साहब के साथ इतना काम किया है जी, तो जाहिर सी बात है उनका एक लहजा उनका स्टाइल आता है जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे राज कपूर साहब शूटिंग करते थे दिन में या दोपहर जब भी करते थे, आपका बिल्कुल सिमिलर है या आप अलग तरीके से करते हैं? नहीं नहीं, राज साहब का तो पूरा स्टाइल ही अलग था। वो तो मतलब उनके साथ मुझे लगता है कि एक दिन काम करने का मतलब है कि किसी स्कूल में किसी यूनिवर्सिटी में आप एक साल पढ़ें, उतने ज़बरदस्त चीज़ थे। अनीस भाई आपके बारे में सुना है, जैसे इंटरव्यूज में देखते हैं हम लोग, कि आप अक्षय पाजी को, अजय देवगन साहब को और सलमान भाई को फोन पे 10-5 मिनट में स्क्रिप्ट समझा के उनसे साइन करवा लेते हैं, तो सच्ची में इतनी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास उनके कोई वीडियोस हैं? मतलब नहीं नहीं, मैं आपको ईमानदार बताऊं कपिल भाई कि ये जो है इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मुझे लगता है कि ये उनकी काबिलियत है। जो बहुत कम लोग हो सकते हैं जो 5 मिनट में ये समझ सके कि ये 2.5 घंटे में फिल्म क्या बनने वाली है, तो वो उनका एक्सपीरियंस है। क्या बात। तो मज़ेदार बातों का सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, मज़े को थोड़ा और बढ़ाते हैं। और एक बार मैं फिर से इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारे उन तमाम स्टार्स को जिनको हमने यहीं पे कहीं ना कहीं स्टे करवाया, तो अपने आप बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं, मिस्टर अनिल कपूर, मिस्टर जॉन अब्राहम, मिस्टर अरशद वारसी एंड उर्वशी रोटेला। एक बार फिर से हमारी सारी स्टार कास्ट यहाँ पे मौजूद है, जोरदार तालियां सबके लिए। अरे तू बीच बैठ यार, यू आर लुकिंग गुड लुकिंग आदमी आदमी है, यंग आदमी है, द मोस्ट हैंडसमस्ट बॉयज उर्वशी नाल से टुगेदर। तुम लोग का हो गया का खत्म? इधर ठीक है। आपने पुलकित को इस तरह बिठा दिया, आप मेरे पास बैठना चाहती थी। आपको क्या लगता है यार, कब से लाइन मार रही हूँ यार, समझ जाया करो। अच्छा आई मीन सोचो, मेरे मॉम डैड ने, उनको इतनी खुशी इस बात की नहीं थी कि मैंने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा है, सबसे पहले पूछा तू कपिल के शो पे जाएगी? आई स्वेयर दिस हैज हैपेंड विद मी। वंस मोर मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग जाएं? 5 मिनट में आपकी बस आएगी, फिर आप निकलेंगे। जो अंदर हम लोग गए थे, हाँ, ये ऐसा होता है मसाज? ये होता है मसाज? कुछ नहीं, शक्लें देखो हमारी। मुझे मेरे वाला मसाज भी नहीं मिला। तुम देखो उर्वशी, तुम मसाज मत बोलो, यहाँ सब खड़े हो जाएंगे मसाज करने के लिए। मैं दूंगा। अच्छा जब इतनी बढ़िया स्टार कास्ट हो और सबके सब आप लोग हंसी मजाक करने वाले हैं, तो कितना मजा आया आपको फिल्म में? बहुत मजा आया। मुझसे तो अभी तक डबिंग नहीं खत्म हो रही क्योंकि मैं हंस हंस के पागल हो रहा हूँ। इट इज अनीसर्स वन ऑफ फनीस्ट फिल्म। बाद में थिएटर में जा जाके डायलॉग बोलेगा। अरे सबसे ज्यादा वैसे पागलपंती कौन करता है सर आपके सब स्टार? आप बताइए। नहीं, एक्चुअली पागलपंती अनिल कपूर। There is no man more insane than Anil Kapoor. I'm the best. यार इनका reaction बहुत सही होता है। There is nothing. No. Shot में चाहे कोई भी होए, अगर in case by any chance, even if he's passing by the shot, he looks at the shot, I've killed you guys, man. सीख लो कुछ। तो मेरे कोई देखेगा ही नहीं, मुझे देखो। कितना झकास लग रहा हूँ। He's literally got that expression going. The best. He is. I'm not kidding. इस फिल्म में 3 हीरोइन हैं। मुझे कंपटीशन सिर्फ इस आदमी से लगा। What a compliment.
देखा आपने हीरो को ले नहीं खाली हीरोइंस को भी कॉम्प्लेक्स देता हूँ सर फिल्म में एक डायलॉग है जी कि शनि इनके पीछे ही नहीं पड़ा हुआ इनकी गोद में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना जब हमें लगता है कि हम लोग निकले घर से कोई काम ही नहीं हो रहा यार ऐसा लगता है शनि हमारे पीछे पड़ गए इस सवाल सबके लिए आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस दिन लगा हो कि यार शनि हमारे पीछे पड़ गया मेरा शनि बहुत अच्छा है आपका तो शुक्र भी बहुत अच्छा है आपको पता ही नहीं है आपका तो संडे भी बहुत अच्छा है आपको मतलब पुरुष एक बात बोल रही नहीं मेरे शनिवार को सबसे ज्यादा काम बनते हैं अच्छा अगले दिन छुट्टी होती ना हम क्या पागलपंती वाली बातें कर रहे हैं एक्चुअली पर क्या हुआ फिल्म का नाम ही पागलपंती है हाँ देखो शनि की साढ़े साथ ही प्रॉब्लम है जॉन को बट मेरे काम बनते हैं शनि को फिल्म में रियलिटी में रियलिटी में भी ओके अच्छा आप लोग ऐसा कितनी देर तक बात करोगे बता दो अच्छा एक बात आपने नोटिस की है अनिस भाई की हर फिल्म में तकरीबन अनिल सर होते हैं तो सर जब तक इनकी फुटेज नहीं दिखाते सेंसर वाले पास नहीं करते क्या अनिल सर आपको हर फिल्म में कास्ट करते हैं वैसे अनिस भाई आपके पास इनका कोई वीडियो है हर्षद भाई आपकी जैकेट कल से मुझे इतनी प्यारी लग रही है दिल कर रहा है इसको निचोड़ के ना नींबू पानी बना के पी जाओ I want to be a bright star. सर आपका ना कुछ करने को दिल कर रहा है इतना तो मैं समझ गया है ना क्या हो रहा है वहां पे है? मचल रहे हैं माइक दे दो सर को क्या कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में अभी बताने का मन कर रहा है जो अभी आप कर रहे हैं जी प्लीज कहिए सर गोरे जिस्मों पे छिड़की रंगोली अच्छी लगती है मुझे तो हर त्योहारों में बस होली अच्छी लगती है पानी भी एक जगह अगर रह जाए तो सड़ जाता है मुझे तो हसीनों की चलती फिरती टोली अच्छी लगती है ये कहीं इन्होंने अपनी भावनाएं हैं कहीं मेरे थ्रू हैं ये अपना कैरेक्टर बता रहे हैं शायरी में बता रहे अकेले आए सर तभी बोल रहे इतना दिल्ली से आए हैं दूसरी बार आपका शो देखने के लिए अच्छा। दूसरी बार आए हैं पहली बार नहीं अच्छा लगा था अच्छा जी बहुत अच्छा लगा था क्या करते हैं सर दिल्ली में आप मैं सर जिंदल स्टेनलेस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ अरे वाह और काम क्या करते हैं क्या है बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर शुक्रिया हुआ इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं ऐसे कौन नाम लेता है कपू स्टार होंगे तेरे लिए मेरी तो गोद में खेले हैं सारे ये अपना अर्शद हूँ ये सर्कट बाद में बना है पहले इतना नाक बहता रहता था हाय पुत्र क्या बचपन में इतना क्यूट था अर्चना जी सारी लड़कियां दीवानी होती थी वो लाल कोठी वाली करोल बाग वाली वो याद आया वो बेचारी तेरे चक्कर में आज तक उसका फ्यूज उड़ा हुआ है हुआ ये क्या बोल रही है तू तो मैं फिर भी शर्म कर रही हूँ लोग बैठे फ्यूज बोल रही हूँ वरना तो उसका तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा हुआ है हेलो रुचि कैसी है पुत्र यार कितनी लंबी होती जा रही सच्ची बता तू बेड पे सोती क्या अपने आप को फोल्ड करती है जोनू फुआ के साथ एक जफ्फी भी नहीं आ जा मेरा बच्चा आए नहीं कस के वाले बुआ को आए और तुम मचा ले बेटा मैं तुम मचा ले ये बंदा हुए हुए दिल्ली में अर्चना जी क्या तुम मचाता था क्या एवरेज देता है बंदा आप पूछो ही ना क्या हो गया कौन सी एवरेज अरे पुत्र
बाइक में 35 रुपए का तेल डलवाता था, ओए होए होए 40 लड़कियों को मिलाता था जाकर। बड़ा बहुत धूम मचाता रहता है। और मुल्क तू है कैसा, मेरा पुत्र पुआ के पैर ही भी नहीं हाथ लाए है, बड़ा बंदा हो गया तो आ जा। आए नहीं, बस 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 तू आज आज मैं जाऊँ तो कैसा है तू। एक बात तो है पुत्र, दिल्ली की छतों में सरिया हो ना हो, ये अंबर सरिया हर जगह होता है। अंबर सरिया कुंडे आवे कच्चिया कलिया ना तो बुआ, कच्चिया कलिया आओ तो। मतलब तेरे हिसाब से सबके चक्कर थे कहीं ना कहीं जवानी में? हाँ तो पुत्र जवानी में चक्कर होते हैं, और किस उम्र में चक्कर होते हैं। अनीस जी आपको तो पता ही है, अगर दांत हो और चने ना चबाओ तो फिर क्या फायदा। बुआ करने के आई थी यहाँ पे? पुत्र मैंने देखा इतने सारे मेहमान आए, मैंने सोचा कम बुआ है इधर, तेरा आई हुई कर तेरे, बस मेहमानों को मटर पनीर खिला दे। मटर पनीर खिलाने का? लेकिन मटर पनीर बनाऊ कैसे, मटर छिलेगा कौन, इतने सारे गेस्ट आए कब काम आएंगे। ला पुत्र घरेलू लड़की है, हेलो वो तो भर ला बटा उसमें डाल ले और छिलके इसमें। देखो थैली नहीं रखी मैंने, प्लास्टिक बंद हो गया, पेपर पे बेटा। बुआ कितने बड़े स्टार हैं, तू उनसे मटर छिलवा रही है? हां तो पुत्र बड़े स्टार है, मटर ना छिलवाऊं तो क्या मदनलाल छिलवा लूं। वैसे एक बात है, उर्वशी और कृति इतनी हॉट है, मटरों ने तो आपस में लड़ पड़ना, लड़ के एक दूसरे के दाने निकाल देने। कैसी बातें कर रही तू, अनिल जी क्या सोचेंगे? तो वो जो मर्जी सोचते रहे, मैंने नहीं अनिल जी के साथ बात करनी। क्यों 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 क्या हुआ बुआ? क्या हो गया? हुआ ही कुछ नहीं ना। सच्ची कह रही हूँ, अगर हुआ होता तो आज सोनम की मम्मी मैं होती। यार मतलब बस करो, ऐसे क्यों देख रहे हो, फड़े जाएंगे हम। अगर पकड़े गए ना तो फिर वो वाली बात भी बतानी पड़ेगी, कोयल वाली। कौन सी कोयल वाली? वही कोयल सी तेरी बोली, तू करो कुकु 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 ओए ओए कुकु 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 कुकु। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जवानी में ही कुकु कुकु हो जाए तो ठीक होता है, वरना फिर नहीं टाइम मिलता। कुड़िया तुम क्या हंस रही हो, मटर छिलते जाओ फटाफट, हमारा तो कुकु कुकु होता ही रहता। बुआ तेरा कहने का मतलब कि अनिल सर के साथ तेरा चक्कर था? पहली बात तो अनिल सर होंगे तेरे लिए। अच्छा। आए अर्चना जी, मेरे लिए तो मेरा नीलू था। ओए होए घंटों घंट बातें करते रहते, इनकी छाती में मक्खी घुस जाती थी, मैं बालों के बीच में ढूंढती रहती थी। मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था यार, वो दिन याद आ गए मुझे, वो दिल्ली के दिन। दिल्ली में वो कड़ाके की सर्दी, वो मेरा इनको देख के थरथराना, इनका शीशे में ऐसे भाप से कम्मो लिखना, इनकी छोटी भाप होती थी ना, फिर मैं बड़ा करके मैं पूरा एड्रेस लिख देती थी। मजा आ जाता था, मतलब दिल्ली में सर्दियों में उतनी लकड़ियां नहीं जली जितना हम दोनों को देख के लोग जले। वैसे अनीस जी आपको तो पता ही है, जब दांत हो ना तो सर्दियों में कटकटा लेना चाहिए। मुझे पता है। वरना कुछ नहीं होता फिर, कन्ने चूसो। अब तो क्या फालतू की बातें कर रही है? अच्छा तेरे को यकीन नहीं होता क्या, फालतू फालतू करी जा रहा। अरे दिल्ली का बंदा बंदा जानता, नहीं यकीन होता तो पूछ ले खड़बंदा से। यार मैं कितनी बड़ी हूँ। तू ना बहुत बोलती जा रही है। एक मिनट रुकना जरा, कोई हंसेगा भी नहीं, झूठ क्या होता है। ये देख मैं पूरे सबूत लेके आती हूँ। ये क्या है? ये देख अनिल जी की मूछे। तो वो क्या है? वो भी है, ये लम्हे में आपने उतरवाई थी ना। मैंने रख ली पता, लोग मोर के पंख रखते किताब में, मैंने इनकी मूछे रखी थी। हाय मैं इतनी दीवानी थी, किताब में इनकी मूछे रखी।
मुझे लगा एक से दो हो जाएंगे लेकिन दाढ़ी आ गई उधर। लेकिन एक बात बोलो नीलू जी, ये मुझे ना मैंने सारे बंदों पे ट्राई की लेकिन अर्चना जी वो नीलू वाली बात नहीं आई किसी में। आपने कपिल पे ट्राई करी है कभी? थी तो बेहोश होगी मैं। अब जो चीज दिखाऊंगी ना वो तो तू मान ही नहीं सकता। अल्लाह पर वो जब मैं और नीलू जी घूमते थे ना तब की बात है, ये फोटो तब की है। वो कहाँ है? कहाँ है इसमें अनिल जी, कहाँ है? उन्होंने मिस्टर इंडिया वाली कड़ी पहनी थी, वो गायब हो गए। रुक, उनकी भी फोटो है, ऐसे ना कह, ये ले। ओह, सेम लोकेशन। इसमें तू कहाँ है? इसमें मैंने कड़ी पहन ली थी, गायब हो गई। अच्छा एक मिनट रुक जा, दोनों की दिखाऊं? हाँ। एला। ये तो पहाड़ है, दोनों कहाँ है? इसमें मैंने कड़ी पहनी थी, मैंने इसमें मैंने कड़ी पहनी थी, उन्होंने मुझे जफ्फी डाल ली, दोनों गायब हो गए। क्या हुआ बुद्ध? हो गया बुआ तेरा? एक मिनट, हो गया? हाँ हो गया मेरा। चल मैं निकलती हूँ, मतलब ले दे। मटर पनीर खिला रहे उनको? मटर पनीर तो खिला। मटर पनीर? कौन से मटर पनीर? ये जो छिलवाए इसी हिसाब से बनते हैं इनके पनीर। ये लड़कियों ने अपनी सेहत के हिसाब से, हमने तीन तीन दाने ले लो, घर में जाके पनीर बना ले। चल बुत मैं चलती हूँ। लेकिन एक मिनट, वैसे अनिल जी आपको तो पता ही है जब स्टोरी अच्छी हो ना तो फिल्म हिट होनी होनी, डरना नहीं है। कुट के भर लो। ला 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 ला। भाई बुत भाई कपुआ, क्या हुआ बुत? अरे बुआ बुआ भी आ रहा हूँ कि भाई जी भाई। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप सब इतने दिनों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जो भी आपसे पूछूंगा आपको हाँ या ना में जवाब देना। तो सवाल ये है, कोई भी जवाब दे सकता है। आउटडोर शूट में होटल के बारे सबसे ज्यादा कंप्लेंट कौन करता था? होटल वाले, क्यों हम उधर रह रहे हैं। That's the best answer. Best answer ever. The best. Thank you. Better हो गया इस मूवी में। शूटिंग में लेट आने पे बहाने कौन बनाता था? अरे मेरा तो ये हो गया इसलिए लेट। Actually सेट पे genuinely कभी कोई लेट नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आया। Wow, very nice, very frank. कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा डायलॉग भूलता था? भूलता था वो यहाँ पर जो सब लोग हैं वो सब याद रखते थे, जो नहीं है वो सारे भूलते थे। डिप्लोमेटिक आंसर। ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट। पता है मल्टी स्टार्स में क्या होता है, गिने चुने लाइंस मिलते हैं, कोई भूलने की हिम्मत नहीं करता। ये तो एक के बाद एक फटके दे रही है। अनीस भाई एक आपने किस्सा सुनाया था, नाना पाटेकर साहब और कोई एक एक्टर थे, कोई याद है? नाना जी के साथ बहुत किस्से हुए। एक्चुअली वो किस्सा क्या था? ओहो अच्छा, वो फिल्म है अदरानी साहब, वो सुनाइए ना सर, सुनाइए। नहीं, नहीं, मैं सुना दूं? हां। तो नाना पाटेकर साहब और एक को एक्टर साथ में कुछ कर रहे थे रोल, उन्होंने को उनको पूरी एक्टिंग सिखाई कि तुमको क्या करना है। तो नाना साहब ने उनको सिखाया पूरा, तुम ऐसे करो। वो बेचारा बहुत परेशान था। तो आके अनीस भाई को बोलते कि ऐसे ऐसे, अनीस भाई बोलते आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते नाना साहब ने बोला है। अब ये उनको भी नहीं बोल पाते, कहते ठीक है आप जाओ जैसा वो बोल रहे करो। वो जैसे ही हुआ एक्शन, उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया जैसे बताया था। अनीस भाई बोलते कट, किसने बोला आपको ऐसे करने के लिए? नाना बोलते मेरा नाम मत बोलना। उसके बाद नाना साहब का दाद, जैसा तेरे को बुलाए वैसा कर। ओके, तो ब्रेक जब मिलती है तो सबसे ज्यादा गॉसिप कौन करता था? सबसे ज्यादा गॉसिप मैं। वेरी फ्रैंक, ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ओके, शूटिंग पे दूसरे को एक्टर के खाने के जो डिब्बे आते थे उनकी तरफ कौन झांकता था? अनिल जी। अनिल, अनिल जी खाने के डिब्बे झांकते, सारे यही लाता था, हम सब ऑर्डरते थे, यही ऑफिशियल शेफ। पुलकित कितना खाना लेके आते थे? हम पुलकित को प्यार से अन्नपूर्णा बुलाते हैं। तो ये जो आप वो भजिया तल रहे थे वो मजाक में नहीं तल रहे थे, काम है आपका? रियलिटी है काम, मेरे को इसलिए मूवी में कास्ट किया जाता है। इसकी मैक्सिमम एक्टिंग लंच टाइम पे होती थी।
अच्छा, जब भी कभी इन बिटवीन टाइम मिलता है शॉट पे या पैकअप के बाद, फोन पे सबसे ज्यादा बिजी और जल्दी कौन हो जाता था? फोन पे ये रहती है आपने जानने का. एक सेकंड उर्वशी, प्लीज कम हियर. नहीं, प्लीज, आई इंसिस्ट. अब आप सीरियसली आपने हमें साथ में बिठाने का मौका दिया कि खुद उस तरफ बैठने का मौका लिया? आपको क्या लगता है? ओह माय गॉड, ये भी चीज है बड़ी वाली. आज मौका मिला दास दादा, अगर ये फोटो नहीं आई ना, आई थिंक वी कैन. अब हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं या तो आप लोग जाइए. अच्छा ओके, बड़ी ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा. जब बीच में ब्रेकअप बोल रहा हूँ, जो रिलीज के बाद हो जाएगा. हाँ, शॉर्ट में ब्रेक हुआ. हाँ, तो कौन सा एक्टर, अनीस भाई आप बताइएगा, जाके उर्वशी या कृति से बात करने लगता था? कृति से तो ये बिचार कृति से बात करता था, क्योंकि इससे कोई बात नहीं करता था. ओह मैन, अर्शा, जितना मजा तुमने फिल्म में लिया, उससे कहीं ज्यादा इस एपिसोड में ले रहे हो. फिल्म भी ऐसी है, मैं बता रहा हूँ. अर्शा ने आप खुद ही बोल दो ना. क्या कल से मुझे बोल रही, मेरे को अनिल जी के साथ डांस करना, रूप तेरा मस्ताना पे. बोल दो. मैं अनिल के साथ डांस कर चुकी हूँ. क्या पर मैं रोज अपना मडैलैंड जाता हूँ डांस करने के लिए. बोल दो अर्शा जी, आपसे छोटे ही हैं, फिर क्या हुआ? हाँ तो है छोटा. आपको बस अनिल जी से डांस करवाना है ना, पॉइंट ये है ना. नहीं, मेरे को गाना गाना है. हम आपके लिए परफॉर्म करते हैं. आप थोड़ा श्रीदेवी, अच्छा किया, आउटस्टैंडिंग. अनिल सर, कैसा लगा आपको हमारे कलाकारों की ये प्रस्तुति जो है आपके लिए? बहुत ये देखकर बस एक ही कहना चाहूंगा, एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्या लग रहा हूं मैं? एक बार हमारे तमाम साथी कलाकारों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट जो है अनिल सर को दिया, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. तो अब वक्त है सबकी खूबसूरत सेल्फी लेने का, तो कौन लेने वाला है? ओके भाई, ऐसे ऐसे ऐसे. बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो. गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.